के बीच में आपको थर्ड प्लेस के लिए कबड्डी का टूर्नामेंट देखने को मिला इनके कॉलेज का। खिलाड़ी को करना होता है कबड्डी काफी अच्छा डांस के द्वारा
आपसे करके मना के लिए दो अढ़ाई सुपर एट जोरदार कार्य पहला सुपर एट इस मैच का चेस्ट नंबर 10 के द्वारा होना के लिए ये खिलाड़ी भी काफी दम खम रखता है चेस्ट नंबर 3 क्योंकि उतनी अच्छी कदकाठी नहीं है और फिर भी खेल ही पूरा दम का है जिसमें है दम उसके हैं हम क्योंकि सात खिलाड़ी के सामने रेड करना होता है और एक रेडर होता है और सात डिफेंडर तो सात को बीट करना होता है एक रेडर को और अब ऑल आउट खतरा मंड रहा था इस समय पीजीसी मंडी को और इसी सुपर टैकल के साथ दो अंक के लिए मंडी को और अब स्कोर 8-8 जहां उतना की टीम दो अंक से लीड कर रही थी वही मंडी की टीम ने एक ही रेट में दो अंक अर्जित किए और बराबरी कर ली। अब चेस्ट नंबर 4 ये खिलाड़ी काफी ऊंचा जिससे पहले आपने सेमीफाइनल में देखा होगा काफी अच्छी रेट्स की थी इसने अब सुपर टैकल फिर से और मंडी के लिए सुपर टैकल में दो अंक मिलते हैं डिफेंस को यदि रेडर पकड़े जाते हैं फिर से लगातार दोनों ही रेडर मल्टीपल रेड्स कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और अब मात्र एक खिलाड़ी पीजीसी मंडी के कोर्ट पर और इस समय रेड कर रहा है और काफी अच्छा हाई हो नैनो ऑल आउट होता हुआ पीजीसी मंडी को रनिंग स्कोर इज 38 लीड होती है क्यों ना हो समय तो अभी काफी है मंडी की टीम वापसी कभी भी कर सकती है मंडी की टीम के हफ्ते में बिल्कुल तेज मंडी साल को तभी मिलेगा जब आपका एटिंग लैक बोनस लाइन के पार होगा और जो आपका एयर लैग हो उसी समय पर डिप होना चाहिए तभी आपको बोनस अंक मिलेगा और कस्टमर को
फिर से तय कर रहे और अंक मिला फिर से तेजी से होना वो ऑफ स्कोर 48 इन द फेवर ऑफ पीजीसी ऊना चांस नंबर 3 भाई मंडी वाले ब्रेक यहाँ भी ऊना वालों से कम नहीं है क्यों ना टैकल फिर मंडी भी की टीम भी टैकल करती है वहां चेस्ट नंबर 3 फिर से रेड कर काफी खुशी मिलेगा 10-14 in the favor of PGC Ona. टेस्ट नंबर 10 अभी रक्षात्मक अपने पाले पर वापस और अब टेस्ट नंबर 3 मंडी की तरफ से फिर से रेड पर पांच का डिफेंस है उन्होंने के पास जो कि कबड्डी में खेल रहे पांच के और चार के डिफेंस में सबसे मजबूत डिफेंस माना जाता है क्योंकि इसमें बोनस ऑफ रहता है और रक्षात्मक अपने पाले पर वापिस ग्रीन कार्ड दो बार ग्रीन कार्ड फॉर टेस्ट नंबर 8 मंडी ड्यूरिंग रेड आप लेपिटिंग या किसी भी प्रकार का इंडिकेशन नहीं दे सकते रेजेंट को ऊना के रेडर काफी अच्छा डिफेंस टेस्ट नंबर 4 एक मौका फिर से रिपेयर होकर कोर्ट पर वापस और चार का डिफेंस है ऊना के पास जबकि टेस्ट नंबर 4 रेड करते हैं काफी फुर्ती ले रहे हैं लगातार कोशिश कर रहा है ये खिलाड़ी आंख निकालने के लेकिन डिफेंस इतना मजबूत है कि वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और अब टेस्ट नंबर 10 ने कोशिश से रेड पर और रक्षात्मक अपने पाले पर वापस कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिया क्योंकि ऊना के पास इस समय लीड है तो रिस्क लेने की आवश्यकता है इस समय पीजीसी मंडी के खिलाड़ी को और टेस्ट नंबर 3 समय रेड पर जबकि पांच का डिफेंस ऊना के पास और एक काफी अच्छा रनिंग है और कामयाबी हुए उसमें डिफेंडर ने कबूल किया कि हाँ भाई मुझे टच लगा है अब मेन रेडर ऊना के बाहर सुपर टैकल ऑन रहेगा इस समय पीजीसी ऊना के लिए यदि रेडर पकड़े जाते हैं तो दो अंक मिलेंगे पीजीसी ऊना को तेरह पंद्रह का स्कोर अभी भी ऊना के पक्ष में और कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिया और टेस्ट नंबर 3 ने और रक्षात्मक अपने पाले पर वापस और टेस्ट नंबर 3 दोनों ही तरफ से टेस्ट नंबर 3 रेड करते हुए दोनों टीमों के लिए और ज्यादा रिस्क नहीं लिया रक्षात्मक अपने पाले पर वापस फिर से चले टेस्ट नंबर 4 रेड पर इस खिलाड़ी में काफी दम है क्योंकि लगातार रेड्स पे आ रहे हैं और अंक भी टू पॉइंट
को अपना फायदा उठाया। पीसी सोना ने कृपया एक गॉडलेस टेबल पर पहुंचा दो, एक गॉडलेस पहुंचा दो टेबल पर। अठारह तेरह का स्कोर इस समय मोटा के पक्ष में, लगातार लीड बनाए रखी है उन्होंने, कोई मौका नहीं दे रहे मंडी के रेडर्स को। नंबर 12 एक मरतबा फिर से रेड पर ऊना के लिए, और जबकि पास कर मजबूत डिफेंस इस समय मंडी का कोर्ट था। चेस नंबर 10 इस समय मंडी की तरफ से रेड पर, और फिर से टेस्ट नंबर 10 पर खराब टैकल करने की कोशिश की टेस्ट नंबर 8 के द्वारा। ऐसे खराब टैकल से बचना होगा मंडी के डिफेंस को यदि मैच में वापसी करनी है। ये खिलाड़ी मंडी के लिए कुछ कर सकता है और लगातार प्रयास कर रहे हैं निकालने की, और बोनस टू मंडी। चौदह 20 का स्कोर इस समय फिर से ऊना के पक्ष में, और सुपर टैकल ऑन वहां पर, लेकिन रनिंग हैंड टच वहां पर सुपर टच के द्वारा। अब ऑल आउट का खतरा बन रहा था यहाँ पर बीजीसी मंडी की टीम पर। जस्ट नंबर 3 एक बार तो फिर से एक बार, जबकि 7 का डिफेंस समय बीजीसी मंडा का मुंडा के पास। बोनस टू मंडी 15-21 का स्कोर, और सुपर टैकल फिर से ऑन। दो अंक अर्जित करने का अच्छा मौका समय मंडी के लिए। लगातार मंडी की टीम अभी अंक निकालती हुई रेड में भी और डिफेंस में भी। कृपया एक और लेस पहुंचा दे टेबल पर। और फिर से टेस्ट नंबर 10 एक बार तो फिर से रेड पर सुपर टैकल ऑन रहेगा। दो अंक अर्जित करने का अच्छा मौका इस समय पीजीसी मंडी के पास, और ये खराब टैकल करने की कोशिश। ये छोटी छोटी गलतियां कभी पूरी टीम के लिए भारी पड़ जाती है कबड्डी के खेल में।
काफी शानदार डैश है ओपन लेफ्ट कवर के द्वारा और ऑल आउट होती हुई इंडिया की टीम 1+2 3 पॉइंट सिटी और पीटीसी 26 चलो जी दो टीम पीजीसी मंडी को जिताना चाहते हो तो आगे बजाए अब जो टीम पीजीसी उन्ना को जिताना चाहते हो तो जोरदार तालियां बजा दे थोड़ा भारी लग रहा है दर्शकों में काफी उत्सुकता बनी हुई है लेकिन ये अगले 19 क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम तीसरे स्थान पर रहेगी 61 टीमों में से और ऑलरेडी जो फाइनल में पहुंची है दो टीमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए इनमें से जो टीम जीतेगी वो तीसरे स्थान पर रहेगी टेस्ट नंबर 11 की तरफ से रनिंग हेड टच फिर से चेस्ट नंबर 4 पर ज्ञानी चैनल भेजी भाई चैनल भेजी नहीं चैनल नहीं देखी मैं 3 पे गई काफी अच्छा जंप किया था लेकिन ये कबड्डी है भाई इसमें कॉम्बिनेशन करके गेम है काफी अच्छा कवर किया दूसरे डिफेंडर ने और बिल्कुल सैटेलाइट के नजदीक रोका फिर से चेस्ट नंबर 4 ये रेडर भी किसी से कम नहीं है तनकाटी थोड़ी कम है लेकिन दम काफी भरा है इस खिलाड़ी में जबकि 5 डिफेंस समय मंडी के बाद जो की रेडर को रोकने में फिर से कामयाब हुए मंडी की टीम डू और डाई मंडी डू और डाई आगे कुआ पीछे खाई इस रेड में आप खाली नहीं आ सकते इस रेड में आप निकालना आने वाले यदि आपको कोर्ट में बना रहना है आगे कुआ था पूरा डिफेंस था आगे उसको कुआ तो पीछे खाइए क्योंकि खाली नहीं आ सकते 30 सेकंड्स में तो कुछ ना कुछ करना होता है रेडर को 30 सेकंड्स में और इनिशिएट लिया रेडर ने और डिफेंस ने उसको बाहर का रास्ता दिखाया नजर हटी और दुर्घटना घटी एक मरतबा फिर से चेस्ट नंबर 4-8 पर काफी अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं
और उतना ही अच्छा प्रदर्शन डिफेंडरों के द्वारा बदला के समय पर राजू और राजू और राजू अब उनकी टीम को पता है कि हम अच्छी लीड पर हैं तो कोई ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं और रिस्क लेने की आवश्यकता इस समय शर्त है कि आपके पास अगर ऐसा प्रदर्शन करती रहेगी मंडी की टीम तो फिर तो मैच में वापसी कर पाना बहुत मुश्किल लगातार लीड बना रही है उनकी टीम प्रश्न नंबर 11 एक पर गंभीर से लेट पर मिथुन मिस्टर मिथुन इस रेट पर थर्ड रेट डू और डाई जस्ट नंबर 11 के लिए सुपर टेकल ऑन दो अंक अर्जित करने का अच्छा मौका यहां पर मंडी के पास काफी सुंदर रनिंग हैंड टच जस्ट नंबर 11 के द्वारा और अब जस्ट नंबर 8 पहली मत बार 8 पर जबकि सुपर टेकल ऑन इस समय बीजीसी मंडी के लिए यदि रेडर को पकड़ते हैं तो दो अंक मिलेंगे फिर से अच्छा रनिंग टच लगातार 30 सेकंड्स के अंदर कोशिश करता है रेडर कि कैसे अंक जुड़ाए जाए काफी अच्छा रेडर ने अपनी टीम के लिए एक अंक अर्जित किया और 3 अंक मिले दो ऑल आउट के और एक दो रेडर पकड़े गए स्कोर 38-21 इन द फेवर ऑफ पीजीसी ऊना बड़ा लीड अब ऊना के पास तय कर ली है यहाँ से मैं तो ना मार जा रहा हूँ तीन नंबर एक बार फिर से एक तो 10 सेकंड बहुत अच्छी टीम कैप्टन प्लीज नोटिस लास्ट 5 मिनट्स मोर टू प्ले अंतिम 5 मिनट का खेल बाकी और स्कोर 21-39 गवर्नमेंट कॉलेज ऊना फाइव फर्स्ट कॉल फाइव टू मैच
ये मैच लगभग समाप्ति के दौरान जो ग्रैंड फिनाले होने वाला है वो दोनों टीमें अपना वार्मअप के लिए ग्रैंड फाइनल 61 टीम्स में से जो दो टीमें फाइनल में पहुंची हैं उनके बीच महामुकाबला कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज शिलाई वर्सेस पीजीसी बिलासपुर, ये दोनों टीमें अपना वार्मअप लेगा। सुंदर डबल था ये ओडिया अंदर और सुपर टेकर दो अंक मिले गवर्नमेंट कॉलेज भर्ती के लिए। पूरा डिफेंस सिस्टम है थोड़ी वहां पर डिफेंस में और रिकॉर्ड मिला पार्टी की टीम को 24-44 इन द फेवर ऑफ पीजीसी ओना। अब लगभग उनकी जीत है क्योंकि काफी लीड हो चुकी और अब कुछ ही सेकंड्स का समय बाकी। ये खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता हुआ अपने दिया अपनी टीम के लिए। सेकंड कॉल फॉर फाइनल मैच जीसी बिलासपुर वर्सेस जीसी शिलाई। और ये फाइनल में समाप्त होना की टीम को बहुत बहुत बधाई। तीसरा स्थान